नमस्कार, स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जर्नल साइंस या सामान्य विज्ञान से रिलेटेड वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो रेलवे की परीक्षाओं में पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो SSC, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो का आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर इज, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसे गैस प्रेशर को मेजर करते हैं। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन B, मैनोमीटर। ऑप्शन ए है एमीटर। एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट या डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी है बैरोमीटर। बैरोमीटर से भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं लेकिन वो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, जबकि मैनोमीटर से गैस प्रेशर को मेजर किया जाता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए मैग्नेट इज, यानी कि मैग्नेट का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है। इसमें आपका आंसर होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वली स्ट्रॉन्ग एट बोथ ऑफ द पोल्स, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ, इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वीकेस्ट पार्ट ऑफ ए मैग्नेट क्या होगा, तो वो होगा मिडल ऑफ द मैग्नेट। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बार मैग्नेट में, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, अगर आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पूछी जाती है तो वो होगी नॉर्थ टू साउथ, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंड हो रही हैं, तो आउटसाइड उनकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ, जबकि इनसाइड बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन, इसमें आपसे पूछा गया है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो फास्टेस्ट किस में होती है। सबसे पहले तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, उसके बाद जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे, वहां साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट होगा, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉलिड्स। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है, जबकि वैक्यूम क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ, कि जो हमारे नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो किन से मिलकर बनते हैं। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज, कि सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा होता है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन B, ग्लाइसिन। एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स में पाए जाते हैं और सबसे सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड जो प्रोटीन में मिलता है वो होता है ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हीट वन एंड ऑफ मेटेलिक रोड द अदर एंड गेट्स हॉट, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब हम मेटेलिक रोड का एक एंड गर्म करने लग जाते हैं, एक ओर से उसको गर्म करते हैं, तो वो दूसरे ओर तक अपने आप धीरे धीरे गर्म होती जाती है, तो इसमें हीट ट्रांसफर का कौन सा मेथड यूज किया गया है। सबसे पहले हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं। पहला है कंडक्शन, जब सॉलिड सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होती है तो वहां होता है कंडक्शन, जैसे कि यहाँ पे हम मेटेलिक रोड को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ है कंडक्शन। सेकेंड है कन्वेक्शन,
जहाँ गैसेस और लिक्विड्स में हीट ट्रांसफर होती है वहाँ हो रहा है कन्वेक्शन, जैसे कि पानी गर्म होना। थर्ड है आपका रेडिएशन। रेडिएशन कहाँ होता है, किसी गर्म चीज़ में से जब वेव्स निकलती हैं तो उनको रेडिएशंस बोलते हैं। और जैसे कि सनलाइट, सनलाइट की वजह से जो चीज़ उसके कांटेक्ट में भी नहीं है, जैसे कि हमारी अर्थ सन के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उससे गर्म हो रही है वेव्स की वजह से, वहाँ होता है रेडिएशंस। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांसफर ऑफ वाटर करता है पौधों में, प्लांट्स में। इसमें आपका आंसर होगा जाइलम। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो ट्रांसफर ऑफ वाटर करता है पौधों में। प्लांट्स के पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो तरह के ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, धरती से पानी और जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जड़ के द्वारा और तने के द्वारा किस तक, पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे भोजन बनता है। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, जो कि दूसरा टिश्यू है, फ्लोएम फूड को पत्तियों से बाकी पौधे के जो भी भाग हैं जड़ों तक, उन तक पहुंचाता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन सा स्ट्रक्चर करता है, तो वहां आपका आंसर होगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एंडो पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, वो स्मॉल एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर डिपेंड होते हैं सर्वाइव के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए, चाहे वो दूसरों की बॉडी के अंदर रहकर जिंदा रहें चाहे बाहर रहकर। तो इसी तरह से पैरासाइट्स दो तरह के हो गए, जो पैरासाइट्स किसी दूसरे की बॉडी के बाहर रहकर जिंदा रहें वो है एक्टो पैरासाइट्स, और जो पैरासाइट्स किसी दूसरे की बॉडी के अंदर चले जाएं और वहाँ सर्वाइव करें उनको बोलते हैं एंडो पैरासाइट्स। तो यहाँ आपसे पूछा है कि एंडो पैरासाइट कौन सा है, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेप वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज इन द, इसमें जो पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ रिलीज किए जाते हैं। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ हमारा भोजन पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीरो। वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं और फिर मेजर करते हैं कि किसी सिस्टम या इन्वायरमेंट में वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है। इसको किलो पास्कल में मेजर किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्रीक लेटर साई से। वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं दिखाता और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जीरो, और वो जीरो वैल्यू होती है प्योर वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनीमोमीटर। ऑप्शन बी है बैरोमीटर। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी है सेलोमीटर। सेलोमीटर वो डिवाइस है जिसका यूज हम क्लाउड की हाइट पता लगाने के लिए या फिर ओवरऑल क्लाउड थिकनेस का पता लगाने के लिए करते हैं, और सेलोमीटर में हम लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट या डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। ये प्रदूषण नहीं फैलाती और ये लाइफ टाइम के लिए कभी खत्म नहीं होती, इनका पुनः भरण यानी कि पुनः चक्रण होता रहता है और हम इनको दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है जियोथर्मल,
ऑप्शन बी है बायोमास, ऑप्शन सी है सोलर। ये तीनों ही रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जबकि जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो होती है वो एक बार अगर हमने वो रिएक्शन करवा दिया, वो एनर्जी जो खर्च हो गई वो हमेशा के लिए खर्च हो गई, उसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश इज इसेंशियल, यानी कि जो हमारे दांत है उनकी प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट है जो जरूरी है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज डैश, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाय डैश जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए थ्री। तीन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स मिलकर हमारी पूरी पृथ्वी को कवर कर लेती है। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 120 डिग्री कवर करती है और तीनों मिलकर 360 डिग्री कवर कर लेती हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स पृथ्वी से 35,800 किलोमीटर दूरी पर छोड़ी जाती हैं और ये उसी डायरेक्शन में घूमती हैं जिस डायरेक्शन में पृथ्वी रोटेट करती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग साइट डिफेक्ट या हाइपरमेट्रोपिया कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। लॉन्ग साइट डिफेक्ट या हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें हमें दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं और पास की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, उसको हम सही कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है शॉर्ट साइट डिफेक्ट या मायोपिया, जिसमें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं और पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, उसमें हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मेनी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। आपके ऑप्शंस में से वह कौन सा है जो अर्थ का बॉडी गार्ड कहलाता है, क्योंकि वो अर्थ को सेव करता है फ्रॉम मेनी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी जुपिटर। जुपिटर अर्थ का बॉडीगार्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। इसमें आपसे पूछा है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं। ऑप्शन ए है टेक इन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी टेक इन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी गिव ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं, गिव ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं उस प्रक्रिया के दौरान। वो फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन लीव्स वाले प्लांट्स में होता है जिनकी हरी पत्तियां होती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। विदाउट क्लोरोफिल ये प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके लिए इसेंशियल चीजें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। इससे बनता है सुगर यानी कि भोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज, कि यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में मैटर की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, कौन सी फॉर्म पाई जाती है। मैटर की चार अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा। पूरे यूनिवर्स में देखें तो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा बाकी तीनों स्टेट्स की तरह जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस एग्जिस्ट करती हैं पृथ्वी पर, इनकी अपोजिट वो फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड। साइंस की वो ब्रांच कौन सी है जिसमें हम लाइटनिंग की स्टडी करते हैं। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी फल्मिनोलॉजी। ऑप्शन ए है एरोलॉजी। एरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एयर एंड एटमॉस्फेयर की। ऑप्शन बी है मेटीरियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर की, पर्टिकुलरली हम वेदर कंडीशंस जो होती हैं उनके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, मौसम के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलॉजी। ये एक टेक्निक है, एक प्रैक्टिस है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकली जो ह्यूमन बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उनको परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश। इसमें आपका आंसर होगा प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। नेक्स्ट ऑप्शन है जूल।
जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ऑप्शन सी है टेस्ला। टेस्ला को टी से सिंबलाइज करते हैं और ये स्टैंडर्ड यूनिट है यानी कि एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ऑप्शन डी है हेनरी। हेनरी को एच से सिंबलाइज करते हैं और ये एसआई यूनिट है इंडक्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर डैश मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें आपका आंसर होगा देर आर थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन। सॉलिड्स में जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। जब लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है तब हम बोलते हैं कि कन्वेक्शन। और तीसरा होता है रेडिएशन। जब किसी जलती हुई या बहुत गर्म चीज में से वेव्स निकलती हैं तब हम उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे सन में से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसकी वजह से हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। तो रेडिएशंस में अगर चीज कांटेक्ट में नहीं भी है तो भी वो गर्म हो सकती है, तो भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ करंट इज। करंट की यूनिट क्या होती है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एम्पेयर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप एमीटर को टिक कर दें। एमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि एम्पियर क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट है। ऑप्शन सी है ओम। ओम क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड वाट, वाट क्या है? यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। ऑप्शन ए है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। ये करेक्ट है क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम एक एम्प्टी स्पेस होता है जबकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। बाकी जो तीनों हैं गैसेस लिक्विड्स और सॉलिड्स, उन तीनों में साउंड ट्रेवल कर सकता है। सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की होती है सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में, और वैक्यूम में जाके साउंड की स्पीड हो जाती है जीरो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एट लेवल ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। डिटेल स्टडी अगर हम करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो वो क्या कहलाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी। ऑप्शन बी है एनाटोमी। एनाटोमी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की और उनके पार्ट्स की। नेक्स्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी एक बायोलॉजिकल ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गन्स के फंक्शंस की और ऑर्गेनिक सिस्टम की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी एक बायोलॉजिकल ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स की, यानी कि गर्भावस्था में जो बच्चा होता है, जो प्री मैच्योर बच्चा होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।